हम मेकअप काफ़ी नेचुरल बेस्ड रखने वाले हैं, बट मैं आईज़ में सॉफ्ट स्मोकी लुक देने वाली हूँ और लिप्स में थोड़ा पीच न्यूड्स में जाने वाली हूँ, जो बहुत ही प्यारा लगेगा विद द लाइट स्मोकी इफेक्ट। तो हम वैसे ही मेकअप करने वाले हैं, बट बेस में बहुत ही ड्यूवी और ग्लोई रखने वाली हूँ, ताकि वो बहुत ही ड्राई या केकी ना लगे। इट विल बी वेरी नेचुरल एंड पीपल विल लव इट फॉर श्योर। तो हम आई मेकअप हर किसी के यू नो आई शेप के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। किसी की छोटी आँखें हैं तो सिर्फ कॉर्नर में हम थोड़ा स्मोकी करेंगे ताकि वो बड़ी लग सके। किसी की बड़ी आँखें हैं तो हर टाइप का आई मेकअप बेसिकली अच्छा लगता है। तो बेसिकली आज जो हम आई मेकअप देखने वाले हैं, वो आई मेकअप आप कोई भी कलर का आउटफिट पहनो, सब पे जा सकता है, बिकॉज हम न्यूट्रल शेड्स चूज़ करने वाले हैं, जैसे कि लाइट ब्राउन्स, दीज आर न्यूट्रल शेड्स। ब्राउन एंड ब्लैक स्मोकी आप कोई भी आउटफिट पहनो आप यूज़ कर सकते हो। तो वैसे ही आई शेडोज़ में दिखाने वाली हूँ, बट किसी को मैच करना है तो यू कैन ऑलवेज गो विथ यू नो कलर्स, लाइक कोई पिंक आउटफिट पहनता है तो थोड़ा लाइट पिंक पीच कलर्स आईज़ पे लगा सकते हैं। बट आज मैं ऐसा आई मेकअप दिखाने वाली हूँ जो आप कोई भी ड्रेस या आउटफिट पहनो उस दिन आप ये आई मेकअप यूज़ कर सकते हो। जिनकी सेंसिटिव आईज़ रहती है, हमें बस अगर उनको हैवी मेकअप चाहिए, जैसे कि हम ब्राइड्स भी हैंडल करते हैं और उनकी सेंसिटिव आईज़ है, तो हमें बस ब्रेक्स देना पड़ता है, उनको टिश्यू डैप करना पड़ता है अगर आईज़ वाटर कर रही है तो, और फिर ब्रेक दे के हमें आई मेकअप कंटिन्यू करना पड़ता है। दैट्स द बेस्ट दैट वी कैन डू इफ वी हैव टू यूज अ हैवी आई मेकअप, बट अदरवाइज लाइट आई मेकअप में इतना इश्यू नहीं होता। इनकी ऑयली स्किन रहती है, हम प्रेफर करेंगे थोड़ा मैट बेस या मैट फाउंडेशन यूज़ करने, क्योंकि अदरवाइज़ वो बहुत ही ऑयली हो जाता है। और जिनकी बहुत ही ड्राई स्किन रहती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा ग्लोई या ड्यूवी बेस यूज़ करें, बिकॉज अदरवाइज स्किन बहुत ही ड्राई लगती है। मैट फाउंडेशन ऑब्वियसली हम ड्राई स्किन पे तो नहीं लगा सकते। तो फाउंडेशन आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, जो मैट होते हैं एंड ड्यूवी होते हैं, ड्यूवी और शियर, जिसमें थोड़ा शाइन होता है। और हर फाउंडेशन लगाने के पहले बहुत ज़रूरी है प्राइमर से उसको सेट करना, बिकॉज फिर फाउंडेशन उसके ऊपर बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। अब मैंने इनका स्किन प्राइमर से सेट कर दिया है। अगर किसी की आँखें छोटी हो तो हम बहुत बार आई मेकअप करते हैं, आई लैशेज लगाते हैं और सिर्फ काजल लगाते हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इसीलिए मैं ये दिखा रही हूँ। बेसिकली हम गोल्डनिश टोन वाला हाइलाइटर लगाते हैं जब थोड़ा इंडियन डस्की स्किन हो या डार्क स्किन हो, उस पर गोल्डन शेड्स ज़्यादा अच्छे ब्लेंड होते हैं। अगर फेयर स्किन हो तो हम पर्ल, रोज गोल्ड ऐसे शेड्स भी लगा सकते हैं। और हाइलाइटर्स में भी क्रीम एंड पाउडर हाइलाइटर्स आते हैं, तो अब मैं इनको क्रीम हाइलाइटर लगा रही हूँ। अब हम सिर्फ आई लैशेज और लिपस्टिक करेंगे। अगर हम डार्क या बोल्ड आइज करते हैं तो हम थोड़े लिप्स लाइट रखते हैं। अगर हम बहुत ही लाइट आई मेकअप रख रहे हैं, जैसे कि हम बहुत ही लाइट आई शेडो लगा रहे हैं, तो हम लिप्स थोड़े डार्क भी कर सकते हैं। और जितना हो सके आप अपना बेस बहुत ही नेचुरल और ग्लोई रखें। आजकल हैवी मेड अप बेस किसी को पसंद नहीं आता, इनफैक्ट बहुत ही प्रिटी लगते हैं यू नो विमेन इफ़ दे यूज़ अ वेरी लाइट नेचुरल ग्लोई बेस। और फीचर्स बस एनहांस करना है, दैट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग मेकअप। सो आई बिलीव इन ओनली इनहांसिंग द फीचर्स, कीपिंग द बेस रियली ग्लोई, ड्यूवी, नेचुरल, एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू।